जीवन के मुख्य दो पहलू हैं, सुख और दुख, और इसी में ही हम अपना जीवन पूरा गुजारते थे। हम ये नहीं समझना चाहते कि सुख और दुख हमारे जीवन में अगर समांतर रहे, कुछ ऐसा हो कि हमें दुख से कष्ट नहीं, कुछ ऐसा हो हमें सुख से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं, उसको मेंटेन करना ही जीवन का खेल है। जो अटैचमेंट है और डिटैचमेंट है, वही सुख और दुख है। जब हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमें कष्ट होने लगता है, हमें दुख होने लगता है, तब हमारे अंदर एक डर व्याप्त हो जाता है कि ये चीज़ हमारे पास से कहीं चली नहीं जाए, और यही हमारे दुख का कारण। सुख और दुख हमारे जीवन के वो दो पहलू हैं जो हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। हमें इनके साथ ही जीना होता है, हमें इसे मेंटेन करना होता है, और जो इस चीज को मेंटेन कर ले, बैलेंस कर ले सुख और दुख को, वही मनुष्य है। आखिर सुख और दुख हैं क्या? जब मनुष्य जन्म लेता है, या हम कहें गर्भ में होता है, तो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है, उसके अंदर जो होती है वो पॉजिटिविटी होती है, कोई नकारात्मक सोच नहीं होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। और जब वो पृथ्वी में जन्म लेता है, जमीन में आता है, तो नेगेटिविटी उसे प्राप्त, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है, हमारा ये शरीर के अंदर जो है वो आत्मा, वो पॉजिटिव है, और ये हमारा शरीर नकारात्मक है, नेगेटिव है। जिस प्रकार से कोई भी लाइट जलती है, करंट होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से होता है। कोई भी जो ऊर्जा है जो चलती है, हमें दिखती है चारों ओर, वो सकारात्मक और नकारात्मक मिलके ही बनती है। उसमें प्रभाव अधिक होता है, सकारात्मकता का प्रभाव अधिक अगर अधिक है, पॉजिटिव एनर्जी का अगर उसमें प्रभाव अधिक है, तो उसमें पॉजिटिविटी हमें ज़्यादा दिखाई देगी। अगर उसमें नकारात्मकता अधिक है, तो हमें उसमें नेगेटिविटी दिखाई देगी। हमारा शरीर जो है, जब हम पैदा होते हैं तो सकारात्मकता के साथ पैदा होता है, पर हम जब पृथ्वी में आ जाते हैं, हम माया मोह कार्य, हमारे जीवन शैली, दिन भर का रोज का जो वातावरण सामने का रहता है, चारों ओर का रहता है, उसके द्वारा हमारे शरीर में अनेकों नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है। अब जब वो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, तो उन्हें निकाला कैसे जाए? मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कहीं पे चोरी हुई, आपके शहर में कहीं पे चोरी हुई, वो जो चोरी की घटना है वो आपने टीवी में देखी, लोगों से सुनी, और आपने घर में किसी से चर्चा की, या किसी मित्र से चर्चा की, क्योंकि समाज में हो रहा है तो आप चर्चा करेंगे। तो जो महात्मा गांधी ने तीन बंदर का जो दिखाया है कि कान मुख और नाक में आँख में वो दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं, यदि आप गांधी जी के तीन बंदरों को देखते हैं,
तो अपने आँख मुख और कान को ही दबाए होते हैं या छुपाए होते हैं। तो उसका कारण बुराई से नहीं। गांधी जी, महात्मा गांधी, वो एक योगी थे, क्या वो बुराई बताना चाह रहे थे? उनका उद्देश्य था कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो हम अपने आँखों के द्वारा, जो हम अपने कानों के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, अपने मुख के द्वारा प्रवेश कराते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर घटनाएं होती रहती हैं, वो ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे विचार नकारात्मक होने लगते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि मुख में हाथ रखो, अपने आईज क्लोज करो, अपने कान क्लोज करो। आपकी ये तीनों चीजें बंद करने का उद्देश्य होगा, ताकि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके अंदर नहीं जाए, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करें। अब जब हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं जाती हैं तो हमारे विचार भी उसी प्रकार के उत्पन्न होते हैं, हमें भय होने लगता है। जब हम चोरी की चीज को सुनेंगे, देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि वातावरण में जो नकारात्मकता है वो फैलेगी और इसके द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर, आप उसमें विचार कर रहे हैं। और यही मनुष्य, हम मनुष्य हैं, हम पृथ्वी में रह रहे हैं, हमें सुख और दुख दोनों को लेके चलना है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलना है, पर हमें उनकी मात्रा में ध्यान देना है कि जो हमें नेगेटिविटी है हमारे जीवन में आ रही है, हम उसको निकालें कैसे। तो उसको निकालने के लिए हमें अपने आप को खाली करना होता है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने शरीर के अंदर से जो हमारी सोच है उसको हटाना पड़ता है। हम योग करते हैं, मन को शांति की ओर ले जाते हैं, हम उजेले को देखते हैं, रोशनी को देखते हैं, हमें रोशनी दिखाई पड़ती है, ऊर्जा दिखाई पड़ती है। हमारी सोच से सब नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे 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 सब जाने लगती हैं। हमारे जो कान है, नाक है, मुख है, उसके द्वारा सकारात्मक ऊर्जा धीरे 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 प्रवेश करते हैं। आपके चारों ओर आपको रोशनी दिखाई देती है, सूर्य का प्रकाश आपके चारों तरफ है। सकारात्मक के तौर पे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, वही आपका करंट, वही आपका पॉजिटिव। जो आपका शरीर है वो नेगेटिव है, जो अर्थिंग ले रहा है, जो भूमि में चल रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा से आपको हट के आपको अपनी अंदर की ऊर्जा को ध्यान देना है, अपनी आत्मा को देखना है। देखिए कितनी प्रकाशमय है, कितना उजेला है। आँख बंद करने के बाद आपको अंधकार में प्रकाश दिखाई देगा, सूर्य की रोशनी दिखाई देगी, सैकड़ों सूर्य दिखाई देंगे। इन प्रकाश को देखिए, कितना प्रकाश, ये सब प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। आने दीजिए, प्रवेश करने दीजिए, यही प्रकाश आपके शरीर में पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जाओं को, यही प्रकाश आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाएगा, यही प्रकाश आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाए,